हाय एवरीवन, वेलकम टू द वन मिनट सीरीज़। आज हम कवर करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट? सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें, सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस बेस्ड, एस्टैब्लिश्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, राइट? और ये कब बना था? इन द वेक ऑफ 1973 ऑयल क्राइसिस। सो इट वॉज फॉर्मड इन 1974 आफ्टर दैट, राइट? एंड OECD का फ्रेमवर्क है जो कि ये यूज़ करता है, इट इज़ मेड विद इन द एम्बिट ऑफ OECD। सो जो OECD मेंबर्स हैं वो ही IEA के मेंबर्स बन सकते हैं। तो इसका मैंडेट क्या है? रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर इट्स 29 मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड, राइट? ओके, सो इट्स मिशन इज गाइडेड बाई 4 एरियाज। एक है एनर्जी सिक्योरिटी, देन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो एनवायरमेंट वाला एंगल भी है एंड इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, राइट? अब OECD के जो मेंबर्स हैं वही IEA के मेंबर्स बन सकते हैं। सो OECD के जो मेंबर्स हैं लेकिन IEA के मेंबर्स नहीं है वो ये कंट्रीज हैं, राइट? 2014 इज द लेटेस्ट कंट्री, दैट इज एस्टोनिया, टू ज्वाइन IEA एंड बिकेम इट्स 29th मेंबर। जो इंडिया है वो इसका एसोसिएट मेंबर है, ठीक है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर एंड थाईलैंड, दे आर इट्स एसोसिएट मेंबर्स। और ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही इसका एसोसिएट मेंबर बना है, सो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के मेंबर बनने से इट नाउ फॉर्मली कवर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कंजम्पशन, राइट? एंड उसके बाद पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है IEA की, दो है, एक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और एक है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट, सिंस रिपोर्ट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? सो दिस इज अबाउट IEA। थैंक यू सो मच।